अब लोकतंत्र का ऐसा दौर शुरू हो गया है जिसमें हमें जो अधिकार मिले थे वो अधिकार भी अब हमारे नहीं रहे, नहीं रहने वाले हैं। दबाव डालने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। इतना ही नहीं, हम कहें तो किससे कहें, शिकायत करें तो किससे करें। जैसे हमें एक बड़ा हथियार मिला था, सूचना का अधिकार, जिसे RTI कहते हैं। इस RTI ने बहुत सारे लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाई थी। बहुत सारे लोगों को वो जानकारी उन्हें दी थी जिस जानकारी की उनकी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार को रोकने में एक बड़ा हथियार था, क्योंकि लोगों को डर था कि जो बात हम कर रहे हैं, अगर किसी ने सूचना के अधिकार के तहत इसकी जानकारी मांग ली, फाइल मांग ली, तो क्या होगा? अब वो सूचना का अधिकार खतरे में है। सूचना का अधिकार अब हमारे पास नहीं है, नहीं रहने वाला है। इस बात को लेकर देश के विपक्षी दलों में कोई चिंता नहीं है। इस बात को लेकर सरकार बहुत मुतमईन है। दूसरी चीज, कुछ ऐसे आंकड़े जो हमें मिलते तो हम सोच सकते कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जैसे बेरोजगारी के आंकड़े, हमारी सरकार ने यानी श्रम मंत्रालय ने ये फैसला किया कि बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए जो कमेटी, जो संस्था सर्वे करती है देशव्यापी, जिससे बेरोजगारी के आंकड़े हमारे पास आते हैं, उन्होंने उस सर्वे को बंद करा दिया 2015 में। नेशनल क्राइम ब्यूरो ये आंकड़े देता था कि कितने किसानों ने आत्महत्या की, हालांकि उस आत्महत्या के कारणों में भी पहले आता था कि इस आदमी ने अपनी घरेलू परेशानियों की, किसान ने घरेलू परेशानियों की वजह से, उसने शराब के नशे में, उसने जो कर्जा लिया था उस कर्जे की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। और कर्जा किस चीज़ के लिए? मोटरसाइकिल खरीदने के लिए या किसी शादी के लिए, ये कारण सरकार की तरफ से दिए जाते थे। हालांकि सत्यता ये थी, हर आदमी जानता था, वो चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, विदर्भ हो, आंध्रा हो, कर्नाटक हो, और अब वो आत्महत्या के लहर उत्तर प्रदेश और बिहार तक आ गई थी। महाराष्ट्र में बुरी तरह से आत्महत्याओं के केस हैं, अभी भी हो रहे हैं, पर सरकार को लगा कि इससे दुनिया में उसकी छवि खराब हो रही है। सरकार ने ये आंकड़े और जानकारी देने से इनकार कर दिया और इस पूरे तरीके को ही बंद कर दिया जिससे ये आंकड़े हमारे पास आते थे। और आत्महत्या कौन करता था? किसान करते थे। किसान अब जो स्थिति है, जिस तरीके से टेक्सटाइल उद्योग मंदी पे चला गया है और टेक्सटाइल उद्योग में बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई हैं, इसका असर सिर्फ टेक्सटाइल उद्योग पे नहीं पड़ रहा है, मतलब मशीनों पे नहीं पड़ रहा है जो फैक्ट्रीज हैं, इसका असर उनके ऊपर पड़ने जा रहा है जो कपास पैदा करते हैं। और विदर्भ में, महाराष्ट्र में कपास पैदा करने वाले बहुत सारे किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। अगर ये कपास उद्योग खतरे में आ गया तो कितने लोग आत्महत्या करेंगे हमें पता नहीं, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा कि इसका सचमुच सही आंकड़ा क्या है। खेती सूख गई जिसकी वजह से आत्महत्या करते हैं किसान, हमें कोई खबर नहीं मिलेगी। दरअसल किसान आत्महत्या इसलिए करता है कि उसे लगता है कि बैंक जब उसके यहाँ वसूली करने आता है तो उसकी जो गांव में बेइज्जती होती है और जिस तरीके से बेइज्जती की जाती है, और यही कॉन्ट्राडिक्शन बहुत बड़ा है। आप देश के NPA की सूची देखिए, आप देखिए कि बैंकों ने कितना पैसा माफ़ किया। अभी जब हम बात कर रहे हैं, पिछले साल तक
पिछले 3 सालों में कितना पैसा बैंकों ने उनका माफ़ किया जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं। अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन 60,000 करोड़ का है कि कितना है, जितना इन लोगों के पास पैसा डूबा है उतना तो कहीं नहीं डूबा, लेकिन किसान सरकार की प्राथमिकता नहीं है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। किसान आवाज़ भी नहीं उठा पा रहा है क्योंकि किसान के पास कोई संगठित शक्ति नहीं है। कोई राजनीतिक दल अब किसान की बात सुनने को तैयार नहीं है। चुनाव में ज़रूर सुनेंगे, हम किसान की बात जाके लोकसभा में उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे। आज तक किसान का नाम लेके जो लोग लोकसभा या विधानसभाओं में गए हैं उनमें से उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग हैं जिन्होंने 5-5 साल में किसानों की समस्याओं को लेकर के सदन में शोर मचाया हो या सदन स्थगित कराया हो, सदन से बाहर गए हों, वॉकआउट किया हो, नहीं, बहुत कम लोग हैं। तो देश में ये लोकतंत्र का एक नया चेहरा है जहाँ जनता से उसके अधिकार तो छीने ही जा रहे हैं, जनता को जानकारी भी देने से सरकार मना कर रही है। मुझे नहीं पता ये रणनीति भारत सरकार को कितना फ़ायदा पहुंचाएगी, क्योंकि जानकारी अगर लोगों के पास नहीं है तो जानकारी आपके पास भी नहीं पहुंचेगी। और जब तक देश में कुछ ऐसी उथल पुथल होने लगेगी इन्हीं बेरोज़गारों में और किसानों में, तब भी आप उसे अनजान रहेंगे, क्योंकि आपका सिस्टम ये बताता है कि सही बात को आप नहीं सुनते। अभी मैं देख रहा था कि रघुराम राजन ने वित्त रिजर्व बैंक के गवर्नर रहते हुए क्या क्या चेतावनियां दी थी, उन चेतावनियों को सरकार ने नहीं सुना और परिणाम स्वरूप आज हम वहां खड़े हैं। देश के उद्योग जगत का, देश के फाइनेंस कंट्रोल करने वाले तबके का एक स्वर से ये कहना है कि हम आर्थिक परेशानी में हैं। सवाल ये क्या इससे निकलने के लिए सरकार के पास कोई रास्ता है, या 1.76 लाख करोड़ जो रिज़र्व बैंक ने सरकार को दिया है, सरकार उस पैसे का क्या करने वाली है? क्या उस पैसे को वो किसानों को देगी ताकि उनकी ज़िंदगी सुधरे? किसान वो पैसा बेरोज़गारी दूर करने के काम में, फैक्ट्री लगाने में या इंडस्ट्री लगाने में खर्च करेगी, या वो बैंकों को दे देगी ताकि बैंक उन लोगों के घाटे को पूरा करने में उस पैसे का इस्तेमाल कर लें जो लोग बैंक से पैसा गलत तरीके से निकाल के, चुरा करके, लूट करके देश से चले गए, या वो बड़े बड़े उद्योगपति जो 5 बड़े उद्योगपति हैं जिन्हें आज पैसे की ज़रूरत है ताकि वो फिर इसको NPA के तहत हज़म कर सकें। बड़े बड़े उद्योगपति इसमें शामिल हैं, क्या इसका कोई इलाज तलाशा नहीं जा सकता? लेकिन इलाज कौन तलाशेगा, न सूचना का अधिकार है, न आंकड़ों की जानकारी है। हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे? हथियार के रूप में तो सिर्फ अब ये देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो बिना शोर शराबे के चले जाएंगे इन समस्याओं से ग्रस्त होकर के और हमें पता भी नहीं चलेगा। लाउड इंडिया TV में ये चिंताजनक बात आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप इन विषयों के ऊपर देखें अखबारों में कितनी जानकारी आती है और न्यूज़ चैनल्स में कितनी जानकारी आती है। अगर जानकारी नहीं आती है तो आप मान लें जो इन जानकारियों को आपको नहीं देता है वो भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। आज बस इतना ही। लाउड इंडिया TV पर हम फिर हाजिर होंगे किसी ऐसे विषय के साथ जो दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है। नमस्कार।